नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं कुलवंत सिंह। टू द पॉइंट कार्यक्रम बड़े दिनों बाद लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। टू द पॉइंट आज हम करेंगे किसके ऊपर, करेंगे नगर निगम के ऊपर। जी हां, कंवल गुप्ता निकाय मंत्री कल पानीपत में थे, क्या तोहफा पानीपत वालों को देकर गए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले का वीडियो वायरल हो रही है, हिसार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो वायरल होगी उनकी, बड़ौदा इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वायदे करके आए थे कि यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर बनेगी, आप वोट दीजिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिसार में भी बड़े बड़े वायदे कर रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने फ़ोन करके जो वहाँ के विधायक हैं बड़ौदा के भालू, उनसे बातचीत करवा दी कि आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। उधर कंवरपाल गुर्जर स्टेज के ऊपर पत्रकारों को कह रहे थे कि हमने वायदे पूरे कर दिए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दी। पत्रकार ने फ़ोन लगा दिया विधायक साहब को और उनका झूठ जो है पकड़ा गया। वहाँ यूनिवर्सिटी तो क्या, एक ईंट भी नहीं रखी गई थी। सर, बड़ौदा में भी आप इसी तरीके के वायदे करके आए थे, कॉलेजेस के उनकी क्या स्टेटस है एक बार बताएंगे? नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, उसके वहाँ के नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ के विधायक को फोन करो, जो उससे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे देके गया था। एक मिनट, एक एक पूछ लो। हाँ, वो कर दी यूनिवर्सिटी, कर दी। आप भी फोन करो ना जी, करो मेरे को फोन। वो वैसे जवाब दे दूसरा। हाँ जी, हाँ जी बालू जी, तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना, आर तो उस दिन बर्फी खड़ा गया मेरे से। उस दिन आप डब्बा लेकर आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खड़ा गए थे कि धन्यवाद मंत्री जी। ठीक 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 है। तो मनोहर सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, आज इसी के ऊपर टू द पॉइंट लेकर आया हूं। कल निकाय मंत्री कमल गुप्ता टाइम पास करने के लिए पानीपत पहुंचे थे। जी हाँ, उन्होंने सोनीपत जाना था लेकिन उनका टाइम नहीं पास हो रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पानीपत में ही टाइम पास जो है कर लिया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे वहाँ के जो पार्षद है वो मौके पर जो पहुँचे थे और खुद इनके मुंह से भी ये बात सुनी थी कि बस मीटिंग नहीं थी, मैं तो वैसे जो है मिलने यहाँ पर आ गया। मुद्दा ये है कि नगर निगम पानीपत ने लोगों को कितना रुला के रखा हुआ है, ये आप लोग भलीभांति जानते हैं। बच्चा बच्चा जो है आज नगर निगम को कोस रहा है। जब नगर निगम बना तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि बहुत बढ़िया हो गया, कि अब तो हमारे काम जो है मिनटों सेकंडों में जो है अब हो जाएंगे। बकायदा भूपेंद्र सिंह मेयर बने, उसके बाद सुरेश वर्मा मेयर बने, उसके बाद अवनीत कौर मेयर बनी और मामला ये उल्टा चला गया कि कांग्रेस का मेयर बन गया। इसी दौरान सुरेश वर्मा कांग्रेस के बन गए और बीजेपी अपने हाथ खाली करने में लगी थी कि हमारा तो मेयर नहीं था तो शहर का विकास कार्य नहीं हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। बीजेपी आ गई सत्ता में और बीजेपी के मेयर बन गए और बीजेपी के 26 पार्षद और तीन मनोनीत पार्षद और इसके साथ साथ दो मेयर और जो हैं बीजेपी ने पानीपत को दिए। और मुद्दा ये था कि अब जो है डंके की चोट पर जो है काम होंगे आम पब्लिक के और अब देखना कि रामराज आ जाएगा। दो विधायक भी पानीपत को दिए गए और शक्ति मिल गई कि अब देखिए अब और बढ़िया काम होगा। और इसके बाद जो एमपी सांसद हैं संजय भाटिया और इसके बाद एक और सांसद जो है पानीपत को मिल गया, यानी कि कृष्णलाल पवार, ये अभी सांसद जो है पानीपत से आते, यानी कि अब इतना बड़ा तामझाम पानीपत वालों के पास है कि उनके काम रुक नहीं सकते थे। लेकिन बड़ी बात है कि किसके काम हो रहे हैं किसके नहीं हो रहे, ये आप लोगों को भली भांति पता है। पार्षद अब भी रो रहे हैं, पहले भी रो रहे थे उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन पार्षदों का अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया। आज तक इतने अधिकारियों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला जितना इस सत्ता में, यानी कि इस टर्म में जो है पार्षदों को देखने को मिला। कमिश्नर आते चले गए, कमिश्नर जाते चले गए, मेरे ख्याल 8 से 10 कमिश्नर जो है यहाँ से
निकल के जा चुके हैं आराम से। कुछ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई फाइल ही साइन नहीं की। मामला बढ़ता चला गया और पानीपत की जनता फिर वही रोते रोते बैठ गई। अब मुद्दा यह है कि निकाय मंत्री कमल गुप्ता कल पानीपत में आए थे टाइम पास करने के लिए, थोड़ी देर वो रेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां, क्योंकि एक दिन पहले ही जो जिला अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, उनको मैसेज पहुंच गया था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है आप मेरे से मिलवाना चाहते हैं, तो रेस्ट हाउस में कल इतनी देर में रुकूंगा तो आप वहां मिलवाइए। तो अर्चना गुप्ता ने मैसेज जो है फॉरवर्ड कर दिया जितने पानीपत के एमसी हैं उनके ग्रुप में कि कल कमल गुप्ता आ रहे हैं, निकाय मंत्री है तो जाहिर तौर पर पार्षदों को वहां आ जाना चाहिए और अपनी बात जो है वहां पर रखनी चाहिए। पार्षद बड़े चाव से वहां पर पहुंच गए, उन्हें उम्मीद जगी कि निकाय मंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं तो शायद अब उनके काम जो है हो जाएंगे। एक एक करके इंट्रोडक्शन लिया गया उस मीटिंग में, रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई, सबसे हालचाल पूछा गया, दिवाली विश्वकर्मा भैया दूज की जो है शुभकामनाएं दी गई और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है बातचीत हुई और पार्षद अपना रोना रोने शुरू हो गए। वही रोना, आईडी नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं हो रही, नालियां नहीं बन रही, सड़क नहीं बन रही, टेंडर नहीं लग रहे, फलाना 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 फलाना। मंत्री जी बात उनकी सुनते रहे और आदेश देते रहे कि ठीक है अच्छा काम करेंगे। पार्षदों को उम्मीद थी कि कमल गुप्ता जो है एकदम कमिश्नर को बुलाएंगे, बड़े अधिकारियों को बुलाएंगे और बैठाएंगे पास में भी पार्षदों के जो है काम करवाइए, क्योंकि जनता रो रही है। इसी बीच कुछ पार्षदों से जब मीडिया कर्मियों ने बात की, पहले वो बातचीत सुनवाते हैं आपको, लोकेश नागरू, दुष्यंत भट्ट और साथ में विजय जैन जो है वहाँ पर पहुँचे, काफ़ी हालांकि 20 से 22 पार्षद वहाँ पर पहुँचे थे, इनका क्या कहना है और ये क्या सोच कर गए थे पहले इन लोगों की सुनते हैं जी। उसमें भी कोई सुनवाई? मैंने माननीय मंत्री जी को यही बोला कि पहले की सरकारों में एमएलए अधिकारी को फोन करता था तो अधिकारी डरते थे, आज अधिकारी इतनी हावी हो गए वो एमएलए को कुछ समझते नहीं है। पार्षद नाराज हो गए बाहर आ गए थे? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नाराज नहीं है। है जो बाहर आ गए थे वो कह रहे थे कि ये तो मीटिंग सिर्फ टाइम पास के लिए, मंत्री जी ने कहीं आगे जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो मंत्री जी ने आते बता दिया कि मुझे 1 बजे सोनीपत जाना है तो 1 बजे तक टाइम तो पास करने, टाइम पास कर रहे थे? नहीं, हम भी टाइम पास कर रहे थे। देखिए, कोई खास ऐसी मांगे नहीं थी, सबकी सांझी मांगे थी। जिस प्रकार आज पानीपत शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, आईडी को लेके, एनडीसी को लेके एक बहुत बड़ा एक ऐसा बना हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को किस प्रकार से एनडीसी करवानी है, किस प्रकार से नहीं करवानी, एक घर अप्रूव्ड है दूसरा घर अनअप्रूव्ड है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी इनको लेके रखी। और मेरा विशेषकर वार्ड जो मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन के अंदर ये सब डिवीज़न की पॉलिसी जो आज से 2 महीने पहले इन्होंने उस पॉलिसी को बना के भेजा लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो उसके लिए मैंने मंत्री जी को कहा कि 2 महीने निकलने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई और टोटल 6 महीने का आपने कार्यकाल रखा हुआ है उसका, तो इसके लिए कल को लोग और परेशान होंगे तो इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इस प्रकार की नगर निगम में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विषय में कोई बात हुई है? भ्रष्टाचार के विषय में सभी पार्षदों ने बात रखी है, भाई नगर निगम के अंदर एनडीसी और आईडी उन लोगों की होती है जो लोग पैसे देते हैं उनकी होती है, बाकी एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। वो कागज़ देता है तो उसके ऊपर उसी टाइम ऑब्जेक्शन लग जाता है, फिर वो दोबारा ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो इस प्रकार का एक जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये गलत है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। अंग्रेज़ों से एक चिट्ठी वायरल हुई थी बिना नाम की, समयपाल के नाम से, तो उस चिट्ठी के बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सी चिट्ठी? एक चिट्ठी वायरल हुई थी नगर निगम में, उस चिट्ठी के बारे में, समयपाल के नाम से हुई थी, मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है और इधर भेजी, उसका क्या रिजल्ट? वो तो समयपाल जी ने मेरे ख्याल उसका एफिडेविट दिया है कि मेरे द्वारा ये नहीं किया गया, लेकिन अब किसने ये शरारत की गई है अब इसका तो पता नहीं। हो सकता है कि नगर निगम में कई इस प्रकार के मामले चल रहे थे, उसमें कुछ दलाल जो है वो फंस रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का विषय उठा दिया। ये हमारा, मेरा नाम तो सारे लोग देते हैं, आप जैसे मीडिया वाले भी देते हैं, अखबारों वाले भी देते हैं। मेन पर्पस क्या था मंत्री जी का? मेन पर्पस नहीं, मेरे को तो कल रात्रि पता लगा भाई ऐसे ऐसे मंत्री जी आ रहे हैं सुबह 10 बजे और वो सभी पार्षदों के साथ बैठना चाहते हैं और पार्षदों की कुछ समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं,
तो वो मेरे ख्याल माननीय जिला अध्यक्ष जी ने उनसे इस प्रकार का समय लिया था। दो घंटे की मीटिंग में मतलब मेन पर्पस क्या था इनका? मेन वही जो समस्याएं जो आ रही हैं, सभी पार्षदों से एक एक करके समस्याएं पूछी थी भाई क्या क्या समस्याएं हैं और उसका किस प्रकार से निवारण होगा। तो उसके लिए मंत्री जी ने कहा कि कुछ मेरे संज्ञान में भी है, उन्होंने कहा जी ये आपके नगर निगम की समस्याएं नहीं है, ये सभी नगर निगमों में ये समस्या आ रही है और साथ में उनका जो गृह क्षेत्र हिसार है वहाँ पे भी इस प्रकार की समस्या है, जल्दी जल्दी इसको ठीक करवाएं। संतुष्ट हुए पार्षद? पार्षद सभी संतुष्ट है, संतुष्टि के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बैठक में सभी पार्षदों को बुलाया था और जमीनी स्तर पर कार्य जो चल रहे हैं और जहाँ जहाँ पर कोई दिक्कत आती है सभी पार्षदों से उन्होंने विचार विमर्श साझा किए और उनकी ओपिनियन ली नगर निगम के बारे में, अधिकारियों के बारे में। जो बातें पार्षदों को रखनी चाहिए थी उन सब ने रखी और माननीय मंत्री जी ने सभी बातों पर कार्रवाई करने के लिए और सभी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तरह से खुले मन से चर्चा की। क्या संतुष्ट रहे हैं पार्षद? 100% हम पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब लोग अपने कार्य से संतुष्ट हैं और जो हमें कहना चाहिए था हमने कहा और माननीय मंत्री जी को भी जो चीज़ें अच्छी लगी उन्होंने प्रेज किया। मुख्य मुद्दे क्या रहे? मुख्य मुद्दे सड़क की है, सीवर की है और जो प्रोजेक्ट्स हैं शहर के, हाउस टैक्स का है, प्रॉपर्टी आई डी के सर्वे हैं, जिन जिन जहाँ जहाँ जो हमें कमियाँ थी जो भी हर विषय पर खुले मन से चर्चा हुई। मुख्य मुद्दे कोई भ्रष्टाचार का रहा नगर निगम में, वो भी था, क्या आश्वासन मिला? वो आश्वासन मतलब हर चीज़ें मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जाती। आश्वासन क्या? आश्वासन वो जहाँ जो संज्ञान में जो बातें जाती हैं तो कार्रवाई होती भी है। तो कमल गुप्ता ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, कमल गुप्ता जो है तीसरी बार पानीपत में आए हैं लेकिन एक भी बार उन्होंने पब्लिक के बीच में बातचीत नहीं की, पब्लिक को नहीं बुलाया, खुला दरबार नहीं लगाया कि आप लोगों को आखिर क्या दिक्कत क्या है। इनके अपने पार्षद बार बार ये रोना रोते हैं कि बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होगा, क्यों आप हमारी किरकिरी जो है वो कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम तक कब तक आप रोटियां सेकते रहेंगे? एक समय था जब एमपी जब बनता था वो प्रधानमंत्री को चुनता था, प्रधानमंत्री बनते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री एमपीओ को बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोदी के नाम पर इस बारी जितने भी एमपी एमएलए बने हैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लहर थी, उस लहर में ये लोग जो हैं सारे तैर गए और बन गए। कोई भी एमपी कोई भी एमएलए का अपना कोई ऐसा सरोकार नहीं है कि उनका अपना रसूख हो कि अब वो दोबारा प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना लेकर फील्ड में जाकर फलाना कहें कि मैं फलाना हूँ मेरे को वोट दें। किसी के पास कोई भी अपनी उपलब्धि नहीं है और मनोहर सरकार में जितने भी मंत्री बनाए गए, मेरे ख्याल एक आधा मंत्री छोड़कर शायद जो गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं सिर्फ वही खुले दरबार लगाते हैं और खुले दरबार में लोगों को आमंत्रित करते हैं और रात को 12-12 बजे तक जो है खुला दरबार लगाकर लोगों को बुलाते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। उसके सिवा किसी भी मंत्री ने, जहाँ तक हो सकता है एक आधा मंत्री और हो वो सुर्खियों में ना रहता हो, लेकिन किसी भी मंत्री ने इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि वो जनता के पब्लिक के बीच में जाकर पूछे उनसे कि आखिरकार आपको दिक्कत क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब कमल गुप्ता ही ले लीजिए, 7वें महीने जब ये नगर निगम में आए, औचक निरीक्षण था इनका, तो एक दो लोगों को सस्पेंड भी करने के आदेश दिए थे निचले स्तर के, लेकिन बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत उनके सही ढंग से हुई नहीं और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। उस दौरान की आपको एक वीडियो दिखाते हैं जब वॉइस ऑफ पानीपत ने उनसे सवाल करने की कोशिश की थी भी क्या हुआ कैसे हुआ, एक शब्द भी कमल गुप्ता जी ने वॉइस ऑफ पानीपत के कैमरे पर नहीं कहा, उल्टा हमारे को ये कहते रहे कि आप लोग लेट आए हैं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उस दौरान की थोड़ी सी ये वीडियो दिखाते हैं आपको। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा घोटाला जी, मैंने पानीपत यहाँ पे बस जाए इतना बड़ा घोटाला कर रखा है यहाँ पर, कुछ आपको लगा जी? आपको हम सब कुछ बता चुके हैं, बात खत्म। इसके अलावा सर कुछ नहीं? सर कितने बजे पहुँचे थे पानीपत ये तो बता दीजिए। आप पता कर लीजिए। हाँ जी, आप पता कर लीजिए यहाँ के लोगों से। सर कुछ वो एक चिट्ठी वाला जो मामला चल रहा था, आपको पता है चीफ की चिट्ठी गायब हुई थी? सर कुछ तो हम बताएं जी, तो जवाब नहीं देना चाहते। मंत्री जी पहुंचे थे लेकिन जो असली सवाल है उसका जवाब नहीं मिला कि यहाँ पर जो घोटाले हुए हैं, घोटाले के ऊपर हैं जो घोटाले,
जो घोटाले हुए हैं घोटालों के ऊपर जो हम बातचीत कर रहे हैं वो घोटालों का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। नहीं दूंगा मैं, आप लेट आए हैं सर। घोटालों के ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, वही पूछ रहे हैं आपसे जी। आपको करना था वहाँ पर सर, पहुँचे नहीं आपसे जी। अरे सर आपसे उम्मीदें, आपसे बात करो सर, आपसे तो बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। अब मामला ये है कि कमल गुप्ता जी को निकाय मंत्री बनाया गया, लोगों को पार्षदों को इनके अपने जो मेयर हैं उनको भी उम्मीद जगी थी कि अब जो है हमारी कोई सुनवाई करने वाला आ गया, हम अपनी जो है बात जो है अब रख सकते हैं इनके सामने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमल गुप्ता जी सातवें महीने वहाँ पर आए और उसके बाद प्रमोद भी साहब के जो शहरी विधायक हैं उनके घर पर आए हुए थे, वैसे ही कोई फैमिली बातचीत करने के लिए, जो उनका बाद में आया था कि वैसे जो है पारिवारिक बातचीत करने के लिए वो लोग पहुँचे थे। और तीसरी बारी अब आए पार्षदों से मिलकर वो चलते बने, पार्षद भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे और मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की उससे मीडियाकर्मी भी सरोकार नहीं रख रहे थे, क्योंकि अभी आपको पता है कि याशी कंपनी जिसको लाखों करोड़ों रुपया का भुगतान जो है अब तक चला गया है, जा भी रहा है, उन्होंने अपने सर्वे में ये कह दिया कि 90% पानीपत जो है अवैध है, ये वैध ही नहीं है, ये याशी कंपनी का था। और याशी कंपनी की बात सुनकर पार्षद भी भुचक्के रह गए और आम पब्लिक भी भुचक्के रह गई कि ये कैसा सर्वे है। तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, याशी कंपनी को बचाने में लगे हुए थे, याशी कंपनी के खिलाफ कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की थी इतना लाखों का ये जो है सर्वे था इसलिए थोड़ी बहुत हो जाती है, तो लेकिन उन्होंने सीधा साधा याशी के ऊपर कोई बातचीत नहीं की। मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे लेकिन जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो मुद्दे पर होने चाहिए थे, हंसकर उन मुद्दों को टालते नजर आए। आपको बातचीत सुनवाते हैं, इस दौरान कमल गुप्ता मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने क्या बातचीत की। ये मीटिंग नहीं थी, पहले तो मैं आप सबको दीपावली की राम राम करता हूं, भैया दूज की बधाई देता हूं और कल विश्वकर्मा डे था उसकी बधाई देता हूं और पूरी पानीपत की जनता को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में बाल गोपाल पूरा परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और उनके व्यापार में बरकत हो और इसी तरह से पानीपत शहर की भी और प्रदेश और देश की उन्नति हो, सर्वांगीण विकास हो। और आप सबको भी मैं इन त्योहारों की बधाई देता हूं। आज मैं किसी व्यक्तिगत कार्य से आया था, तो जहां भी हम जाते हैं व्यक्तिगत रूप में भी जाएं या कैसे भी जाएं, तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना हमारा एक स्वभाव है। उस स्वभाव के नाते मैंने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़ी हैं, इधर विधायक जी भी खड़े हैं, तो इनको निवेदन किया कि आप कुछ कार्यकर्ताओं को अपनी मर्जी से बुला लें। तो इन्होंने चयन किया कि सभी जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि यानी पार्षद वगैरह ऐसे संभाल खां के भी और पानीपत के भी ये आए थे, तो इनसे बैठकर गपशप लगाए। क्या इन्होंने कुछ तो शिकायतें रखी होंगी निगम? इन्होंने अपने खट्टे मीठे दोनों अनुभव, कुछ मीठे अनुभव भी कुछ खट्टे भी दोनों बताए, दोनों को हमने रिकॉर्ड भी किया और मैंने इनको इस बात की बधाई भी दी कि जनप्रतिनिधि वो होता है जो अपनी जनता की, अपने हलके की चिंता करे। तो इन सब को सुनकर मुझे ये लगा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति निष्ठावान है। हमारे साथ कुछ शेयर करें, कुछ पॉइंट इन्होंने क्या पॉइंट रखे हैं? पानी की, बिजली की, प्रॉपर्टी आईडी की, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई ना। भ्रष्टाचार की है सर, भ्रष्टाचार की भी बजट का सब बातें डिस्कस की। बजट का बहुत अभाव है नगर निगम में, उसको लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, बजट की भी बात हुई है, तो सभी चीजों को देखकर उचित उपाय हम करेंगे। सर याशी को लेकर काफी माइंड लोगों का सही नहीं हो पा रहा, जो गलत उन्होंने सर्वे किया। बहुत बड़ा काम था, 42,10,600 कुछ, इतनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं है। और आज मुझे जानकारी मिली है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज में जितने ऑब्जेक्शन आए थे वो सभी दूर हुए हैं। और फिर भी हमारा ये आह्वान है जनता को कि अगर कोई और भी ऑब्जेक्शन है तो उसे दूर करें। सर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इंतकाल है, फिर भी अनऑथराइज कैसे? देखिए, अब ये एक एक बात को इतनी डिटेल में, ये टेक्निकल बातें हैं,
ऐसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। अनऑथोराइज हो सकती है ना, अगर कोई रेजिडेंशियल है और वो कमर्शियल यूज कर रही होगी, नहीं ऐसा कोई है तो आप लाइए हमारे नोट अभी दे दीजिए आप मुझे लिखकर, ऐसे खड़े खड़े थोड़ी कोई बात, कोई बात नहीं, सब चीजें देंगे लिखेंगे। मंत्री जी पार्षदों की अधिकारी नहीं सुन पाते नगर निगम में, पार्षद कहाँ जाके अपनी बात रखी ना, हमारे सामने रखी इन्होंने, लेकिन आपकी बात से भी कहीं संतुष्ट नहीं है पार्षद, बहुत से आपसे भी नाराज होके गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, नाराजगी घर में होती है, और ये कहा जा रहा है कि घर में नाराजगी भी होती है, कहा जा रहा है कि मीटिंग सिर्फ ये एक मतलब टाइम पास करने, मीटिंग तो थी नहीं, हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, मिल लिए, उसमें क्या बात है, दुख सुख तो होता है, खुशी गम भी होता है। बजट दे रहे हैं क्या नगर निगम में, क्योंकि बहुत सारे काम रुके हुए हैं। बजट क्यों नहीं आएगा, बजट आएगा ना। तो कमल गुप्ता साहब को आपने सुना, ये निकाय मंत्री हैं, होना तो ये चाहिए, मनोहर सरकार को ये चाहिए कि इतने मंत्री, इतना सिस्टम आप लोगों ने छोड़ रखा है फील्ड में, लोगों को इतना तो कहिए कि आप लोग जाके हर जगह जहाँ पे आपको जिस विभाग का मंत्री बना रखा है, हर जिले में जाके एक एक खुले दरबार तो वहाँ पर लगाए, आप लोगों को पता तो लगे कि जनता जो है कितनी त्रस्त है, दिखाया कुछ और जा रहा है, अंदर कुछ और है, सपने कुछ और दिखाए जा रहे हैं और हकीकत जो है कुछ और है। पानीपत में नगर निगम ने लोगों को रुला कर रखा हुआ है, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं है। विधायक पानीपत शहरी खुद कई बार ये कह चुके हैं कि नगर निगम नहीं सुधर सकता, और विधायक साहब ये कह रहे हैं अफसर यहाँ पे आराम से डिंगा मस्ती कर कैश अपना इकट्ठा कर वहाँ यहाँ से आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। करनाल में आए दिन अफसर पकड़े जा रहे हैं, बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पानीपत में मजाल है कोई भी अफसर या कोई भी अधिकारी पकड़ा गया हो। अब ये कहानी क्या है, इसे अंदर की बात क्या है, ये शायद अंदर के लोग ही जानते हैं, लेकिन मेरा टू द पॉइंट में आज बात करने का मकसद यही था कि मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर कब तक आप रोटियां सेकते रहेंगे, कुछ जाते जाते आप एक ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद रखें कि फलानी सरकार में फलाना मंत्री था और ये काम जो है करके गया है, आम लोगों को पता लगे कि ऐसे काम जो उनके हुए हैं। और मनोहर सरकार को भी चाहिए आप इनको आदेश दें कि हर जिले में जाकर ये खुला दरबार लगाए। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो कमेंट जरूर लिखें और बताएं कि वैसे पानीपत गलत है या सरकार के ये मंत्री गलत हैं या टाइम पास करने के लिए आए थे। कड़वा सवाल जरूर है, लेकिन मंत्री जी को ये चाहिए था कि एक बार औचक निरीक्षण के बजाय सीधा छापा मारें और लोगों से बातचीत करें और तुरंत कार्रवाई करें। ये मस्ती, ये टाइम पास मैं खुद नहीं कह रहा, इनके जो पार्षद है वही कह रहे हैं और ये खुद ही कह रहे हैं कि मैंने जाना था और एक बजे से इनसे मुलाकात करनी थी। हो सकता है कि इनके अंदर कोई गुफ्तगू हो, अच्छी बातचीत हो, लेकिन जो मीडिया के सामने जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्षदों ने रोना रोया और पार्षद यही कहकर निकल गए कि होना जाना कुछ नहीं है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।